मैं डॉक्टर सी पी सिंह, गोपेश्वर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, गोपेश्वर कॉलेज हथुआ, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा क्वेश्चन लग रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंस है। आशा है कि इसका आंसर आप सही ढंग से देंगे। आज का विषय है ऑस्टिन के संप्रभुता का सिद्धांत। प्रायः संप्रभुता पर दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है संप्रभुता से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन, और दूसरा है कि ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा करें। अगर आपसे पूछता है कि ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा करें, तो आपको ऑस्टिन के विचार को डिटेल से लिखना पड़ेगा। ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। इसे सब मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी भी कहा जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिस्कस द मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी, तो आप घबरा जाते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया, उसमें ऑस्टिन का कहीं नाम नहीं। लेकिन ऑस्टिन की संप्रभुता के सिद्धांत का एक नाम है मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी, लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी, इसको लीगल थ्योरी भी ऑफ सॉवरेंटी कहा जाता है। ये अभी ऑस्टिन का विचार पूछ रहा है, लीगल थ्योरी करे या मोनिस्टिक थ्योरी करे। हिंदी में संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करें। संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत क्या है, इसकी व्याख्या करें। कहीं ऑस्टिन का नाम नहीं है, लेकिन सबसे तात्पर्य ऑस्टिन की संप्रभुता के सिद्धांत से होता है। संप्रभुता राजनीति विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। राजनीति विज्ञान में दो विषय को लेकर काफ़ी आलोचना हुए हैं। ये विषय है राज और संप्रभुता। राज और संप्रभुता को लेकर विद्वानों के बीच में इतना मतभेद है उतना किसी अन्य विषय को लेकर मतभेद नहीं है। आज भी संप्रभुता पर मतभेद चल रहा है। संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा गया है, या कहा गया है, संप्रभुतावादी विद्वानों ने कहा कि इसके अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। संप्रभुता एक ऐसे तत्व है जो राज्य को अन्य संस्थाओं से अलग करता है। आप जानते हैं कि राज्य के लिए चार तत्व का होना जरूरी है, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। जनसंख्या एक मानवीय तत्व है, भूभाग राज्य का भौतिक तत्व है, सरकार उसका संगठनात्मक तत्व है, संप्रभुता राजनीतिक तत्व है। तो संप्रभुतावादी विद्वानों का कहना है कि संप्रभुता के कारण ही राज्य अन्य संस्थाओं से अलग है। अब सॉवरेंटी क्या है भाई, यह राज्य की आत्मा कैसे है, वो हम लोग देखेंगे। संप्रभुता क्या है, तो अंग्रेजी का सॉवरेंटी शब्द का हिंदी रूपांतर संप्रभुता है। अंग्रेजी के यह शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है, सुपर जोर एनस। सुपर का अर्थ होता है सर्वोच्च और एनस का अर्थ है सत्ता। शाब्दिक दृष्टिकोण से इसका अर्थ हुआ सर्वोच्च सत्ता। अब राजनीति शास्त्र में सर्वोच्च सत्ता का क्या मतलब है, अध्यात्म में सर्वोच्च सत्ता का अर्थ ईश्वर से होता है, लेकिन राजनीति विज्ञान में सर्वोच्च सत्ता का मतलब क्या है, ऐसी सत्ता से जो न आंतरिक रूप से न बाह्य दृष्टि से किसी के अधीन हो, स्वतंत्र रूप से आंतरिक निर्णय लेता हो या बाह्य निर्णय व राज्य लेता हो, तभी उस राज्य को संप्रभु राज्य कहा जा सकता है। अब इसी दृष्टिकोण के आधार पर बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल को हम लोग राजनीति शास्त्र की दृष्टि से राज्य नहीं मान सकते हैं, नहीं कहा है राजनीति राज्य है, ये नहीं है। भारत एक राज्य है, बिहार उसकी एक इकाई है, उत्तर प्रदेश इसका इकाई है, उड़ीसा इसकी इकाई है, लेकिन बोलचाल की भाषा में या प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को राज्य आप मानते हैं, टेक्निकल दृष्टि से, पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से भारत ही राज्य है। 1947 के पहले भारत राज्य नहीं था, जनसंख्या तो थी, सरकार भी थी, भूभाग भी था, लेकिन संप्रभुता इसका नहीं, अपनी संप्रभुता नहीं थी, इसकी संप्रभुता नहीं थी ब्रिटिश गवर्नमेंट में, इसलिए 47 के पूर्व भी भारत को राज्य नहीं माना जा सकता है। आज हम सब भारत को सॉवरेन राज्य मानते हैं। सॉवरेन राज्य इसलिए मानते हैं कि भारत आंतरिक दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से पूर्णतः स्वतंत्र है, वो अपना निर्णय अपने विवेक के अनुसार भारत सरकार ले सकती है, लेती भी है, इसलिए भारत एक संप्रभु राज्य है। अब ऑस्टिन संप्रभुता का सिद्धांत पर हम लोग आते हैं। ऑस्टिन एक विधिवेत्ता थे, कानून के जानकार थे, कानूनी दृष्टि से उन्होंने संप्रभुता के सिद्धांत का व्याख्या किया है। ऑस्टिन का बहुत ही महत्वपूर्ण देन है। जब ऑस्टिन ने कानूनी दृष्टिकोण से संप्रभुता की व्याख्या की, इसकी बहुत सारी आलोचना हुई, आलोचकों में बहुलवादियों को आलोचक की प्रमुख भूमिका है, लेकिन मैक्सी कहते हैं कि ऑस्टिन का राजनीति विज्ञान में एक महत्वपूर्ण देन है, संप्रभुता का जो सिद्धांत है वो एक महत्वपूर्ण देन है। और हम देखें कि ऑस्टिन क्या कहना चाहते हैं, वो तो पहले आपको परिभाषा देखनी होगी। परिभाषा लिखते समय विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखें कि ऑस्टिन शब्द गलत नहीं लिखे। आपको ऑस्टिन लिखने की देख लीजिए, ऑस्टिन कैसे लिखा हुआ, अंग्रेजी में लिखे चाहे हिंदी में लिखे, ऑस्टिन आप कोशिश करें, कोशिश क्या अनिवार्य समझे कि ऑस्टिन आपको सही लिखने आता है कि नहीं। अगर ऑस्टिन आपने गलत लिख दिया, कॉपी देखने वाले के ऊपर नज़र चल गई, तो वह बहुत रिमार्क खराब होता है और वह समझता है कि लड़के को ऑस्टिन लिखने नहीं आता है। ऑस्टिन का एक ही परिभाषा है, परिभाषा आपको हिंदी में लिखे चाहे अंग्रेजी में एकदम सही लिखे, परिभाषा देते समय सावधानी बरते, परिभाषा आपकी नहीं है, उसमें भाषा चेंज नहीं होती, जो बात
विचारकों ने कहा है उस बात को हूबहू वही ढंग से लिखना है परिभाषा को। परिभाषा लिखते समय इन्वर्टेड कॉमा से शुरू करें, इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर दें, यह तरीका है। तो आसमी कहते हैं कि इफ ए डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर नॉट इन द हैबिट ऑफ ओबीडियंस लाइक टू लाइक सुपीरियर रिसीव हैबिचुअल ओबीडियंस फ्रॉम द बल्क ऑफ ए गिवन सोसाइटी डैट डिटर्मिनेट सुपीरियर इज सोवरेन इन डैट सोसाइटी एंड द सोसाइटी इंक्लूडिंग द सुपीरियर इज ए सोसाइटी पोलिटिकल एंड इंडिपेंडेंस। यह राजनीति विज्ञान की परिभाषा आस्टिन की परिभाषा है, इसको आप हिंदी में भी लिख लेंगे। अब आस्टिन की परिभाषा का विश्लेषण करने से संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित तत्व स्पष्ट होता है। अब विशेषता आप दे रहे हैं 5-10 विशेषता है, लेकिन परीक्षा के समय के ख्याल रखते हुए चार विशेषताओं को जरूर डील करें, और चार के बाद आपको समय नहीं बचेगा, आप अन्य विशेषताओं का सिर्फ पॉइंट लिखकर छोड़ दें और आलोचना में आ जाए। इसमें आलोचना भी लिखना पड़ेगा, निष्कर्ष भी देना है, इसलिए सावधानी बरतें कि चार पॉइंट से ज़्यादा डील आप ना करें। पहला पॉइंट है राज्य का प्रधान लक्षण। आस्टिन कहते हैं संप्रभुता राज्य का प्रधान लक्षण है। यह एक ऐसा लक्षण है कि राज्य को अन्य संस्थाओं से अलग करता है, इसकी एक अलग पहचान देता है। जैसे संस्था राज्य भी एक संस्था है, बहुत सारी संस्था है, अभी ग्राम पंचायत भी संस्था है, प्रखंड भी एक संस्था है, महाविद्यालय संस्था है, विद्यालय संस्था है, परिवार एक संस्था है, लेकिन राज्य रूपी संस्था और परिवार रूपी संस्था में अंतर है। राज्य के पास दंडात्मक शक्ति होती है, अन्य संस्थाओं के पास इस तरह की दंडात्मक शक्ति नहीं होती है, है भी तो उसकी संख्या सीमा लिमिट है, लेकिन राज्य के पास दंडात्मक शक्ति है, राज्य के पास संप्रभुता है, राज्य अन्य संस्थाओं को झुका सकता है, बाध्य कर सकती है अपने आदेश को पालन कर लिए, राजप्राय ऐसा करता है, इसलिए राज्य को सर्वोच्च संस्था कहा गया। उसकी सर्वोच्चता का कारण क्या है? संप्रभुता है। संप्रभुता के कारण राज्य एक सर्वोच्च संस्था है। राज्य को लेकर काफ़ी राजनीति विज्ञान में मतभेद हुआ है। कुछ विद्वान है जो राज्य को अनिवार्य मानते हैं, कुछ विद्वान राज्य का अनिवार्य नहीं मानते हैं, राज्य की समाप्ति की बात करते हैं, स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं, लेकिन स्टेटलेस सोसाइटी की कल्पना करना व्यवहारिक दृष्टि से उचित नहीं है। दुनिया में अभी कोई भी देश स्टेटलेस सोसाइटी नहीं स्थापना हुआ है। आज तो राज्य है, पुलिस है, प्रबंध है, तब इतनी अशांति है, अगर राज्य नहीं रहेगा तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए बहुत लोगों का मानना है कि राज्य एक अनिवार्य संस्था है, मैं भी मानता हूँ कि राज्य एक अनिवार्य संस्था है और इसे रहना बहुत अति आवश्यक है। तो राज्य कहता है आस्टिन कि राज्य का एक प्रधान लक्षण है, इसके अभाव में हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। किसी भी संस्था को आबादी हो सकती है, भूभाग हो सकता है, सरकार हो सकती है, लेकिन संप्रभुता के अभाव में उसको हम स्वतंत्र राज्य की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। तो कहते हैं कि राज्य का प्रधान लक्षण संप्रभुता निश्चित होता है। आस्टिन कहते हैं कि संप्रभुता अनिश्चित नहीं है, यह अमूर्त नहीं है, यह मूर्त रूप है, यह देखा जा सकता है, पहचाना जा सकता है, इसको इशारा किया जा सकता है कि इस व्यक्ति में संप्रभुता है, इस संस्था में संप्रभुता है, व्यक्ति में हो चाहे व्यक्ति के निर्मित संस्था में हो। तो कहते हैं संप्रभुता निश्चित है, इफ ए डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर, यह कहते हैं निश्चित है, अनिश्चित नहीं है, संप्रभुता का रहना निश्चित है, इस प्रकार पिंड के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति का रहना निश्चित है, उसी प्रकार राज्य में संप्रभुता का रहना निश्चित है। समाज के अधिकांश व्यक्ति द्वारा संप्रभु की आज्ञा का पालन, आस्टिन ने संप्रभुता में शब्द में जोड़ा अधिकांश व्यक्ति उस संप्रभु की आज्ञा का पालन करता है। आस्टिन बहुत बड़े दूरदर्शी थे और समझते थे कि आगे चलकर इसमें क्या परेशानी का उन्होंने दृष्टि से हो सकता है। अगर अधिकांश शब्द के जगह पर क्यों विवश थे अधिकांश शब्द लिखने के लिए, उन्हें सभी शब्द का यूज क्यों नहीं किया कि समाज के सभी लोग इसकी आज्ञा का पालन करता हो। तो ये आस्टिन समझते थे कोई जरूरी नहीं कि संप्रभु व्यक्ति जो कहे, संप्रभु सरकार जो कहे उसके आदेश का पालन ए से जेड तक लोग करें, ये कोई जरूरी नहीं है। 10-20 लाख लोग विरोध कर सकते हैं, भारत की आबादी 1,35,00,000 की लगभग है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि भारत सरकार जो निर्णय ले, जो कानून बनाए, वह सभी लोग पालन करें। इसमें 10,00,000-10,00,000 लोग भी विरोध कर सकते हैं। 10,00,000 के विरोध का मतलब भारत सरकार की संप्रभुता खतरे में पड़ गई है, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग विरोध करते ही हैं, करते ही रहेंगे, तो कुछ लोग के विरोध के आधार पर उसकी संप्रभुता समाप्त नहीं होगी, कुछ लोग विरोध करेंगे। तो आस्टिन कहते हैं यह प्रजातंत्र होता है, विरोध होती है सरकार की, लेकिन सरकार का विरोध अगर मुट्ठी भर लोग करते हैं, कम लोग करते हैं, विरोध करने वाले से आज्ञा का पालन करने वाले की संख्या अगर अधिक है तो उसकी संप्रभुता पर कोई जांच नहीं आ सकती है। भारत के देशों में आप देखते हैं, कभी कश्मीर में कुछ उपद्रव होता है, कभी बंगाल में होता है, अन्य राज्यों में छिटपुट उपद्रव होते हैं, सरकार के विरोध में नारे भी लगाए जाते हैं, लेकिन इसका एक कतई यह मतलब नहीं है कि भारत सरकार की संप्रभुता खतरे में है। संप्रभु की आज्ञा का पालन ही कानून है। आस्टिन कहते हैं कि संप्रभु की आज्ञा का पालन ही कानून है। संप्रभु कानून के सबूत है और कानून का निर्माण करता है, उसके दिए गए आदेश का पालन करना व्यक्ति के लिए अनिवार्य है और इसलिए संप्रभु की आज्ञा ही कानून है। फिर आस्टिन कहते हैं एक बात और कि संप्रभुता
अधिकांश आदतन संप्रभु की आज्ञा का पालन लोग आदतन करते हो, आदतन है स्वेच्छा से। संप्रभु की आज्ञा का पालन किसी दबाव के बस नहीं होना चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन आदत स्वेच्छा बस होनी चाहिए। जैसे बिहार सरकार हम क्यों आज इसकी आज्ञा का पालन करते हैं, समझते हैं कि सरकार मेरी है, मेरी द्वारा चुनी गई सरकार है, जनता की सरकार है, जनता के हित में कदम उठा रही है, इसलिए सरकार जो कहती है उसका पालन करते हैं। कोई सैन्य नियंत्रण या स्थायी रूप से कोई अधिकार कर ले राजपथ और बंदूक के बल पर शक्ति को मनवाए लोग मान लेंगे डर के मारे, लेकिन उसको संप्रभु नहीं कहा जाएगा। इसलिए संप्रदाय की जो विशेषता है, मैंने चार पॉइंट को लिखे, अन्य बातों को आप पॉइंट लिख कर छोड़ दें और सिर्फ आलोचना पर आ जाए। आष्टी के सिद्धांत की आलोचना भी बहुत है, विशेषतः बहुलवादियों ने इसकी आलोचना बहुत की है। आलोचकों का विचार इस प्रकार है, निश्चित मानव प्रधान की खोज करना कठिन। आलोचक कहते हैं कि निश्चित मानव प्रधान की खोज करना आज के युग में बहुत कठिन है। आज दुनिया के अधिकांश देशों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में निश्चित मानव श्रेष्ठ किसको कहा जाए, राष्ट्रपति को कहा जाए कि प्रधानमंत्री को कहा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कहा जाए, थल सेनाध्यक्ष को कहा जाए, वायुसेनाध्यक्ष को कहा जाए, चुनाव आयोग को कहा जाए, चुनाव प्रमुख पदाधिकारी को कहा जाए। आज के युग में निश्चित मानव प्रधान की खोज करना बहुत कठिन है। आष्टी जो कहते हैं वो राजतंत्र में संभव है कि आष्टी ने राजतंत्र को ध्यान में रखकर यह बात कही हो। प्रजातंत्र में जहाँ जनता में संप्रभुता निहित है, जनता संप्रभु है, ऐसी स्थिति में किसी निश्चित मानव प्रधान की खोज करना कठिन है। संप्रभु की आज्ञा का पालन करना कानून नहीं है। आलोचकों ने कहा कि संप्रभु की आज्ञा का पालन करना कानून नहीं है। आज कानून के बहुत सारे स्रोत हैं, परंपरा है, रीति रिवाज है, धार्मिक संस्थाएं हैं, लोकसभा है, कानून एक जगह से नहीं बनता, कानून के अनेक स्रोत है, अनेक स्रोतों के माध्यम से कानून का निर्माण होता है। आज प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कोई संप्रभु व्यक्ति एक व्यक्ति नहीं है, इसे एक व्यक्ति कानून का भी निर्माण नहीं करता है। कानून निर्माण की प्रक्रिया संसद द्वारा होती है, इसमें सारे संसद सदस्य की सहभागिता होती है, इसलिए वर्तमान समय में संप्रभु के आदेश को कानून नहीं माना जा सकता है। ये दो पॉइंट आप आलोचना लिखे, अन्य बातों को आप पॉइंट वाइज छोड़ दीजिए। जैसे संप्रभुता की निरंकुशता की धारणा गलत, इस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको डील करता हूँ। आलोचकों ने कहा कि जिस निरंकुश संप्रभुता की बात आष्टी करते हैं, आलोचक ने कहा कि इतिहास के पढ़ने उलटने से भी ऐसे निरंकुश शासक का उदाहरण हमको देखने को नहीं मिलता। आलोचकों ने राजा रंजीत सिंह का उदाहरण दिया और कहा राजा रंजीत सिंह सिखों के सर्वोच्च नेता थे, लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने कभी कोई परंपरा का पालन नहीं किया और सब धार्मिक परंपराओं का नियम का पालन करते हुए शासन किया। एक बार राजा रंजीत सिंह से गलती हुई तो उन्होंने अकाल तख्त के सामने जाकर माफ़ी मांगा और सिर झुकाया। अकाल तख्त ने उनको आदेश दिया था एक सप्ताह तक जूठा बर्तन साफ करना है और दर्शकों का जूता साफ करना है। उन्होंने जाकर वहाँ ऐसा काम किया। आधुनिक समय में इंदिरा गांधी के समय में एक घटना घटी, ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर। उस समय ज्ञानी जयल सिंह राष्ट्रपति थे, बूटा सिंह गृह मंत्री थे भारत के, और कल बेला जो ज्ञानी जयल सिंह कहते हैं कि इस घटना की जानकारी हमको नहीं थी, हमको पेपर के माध्यम से जानकारी। बाद में दोनों आदमी पर तनखाई इनको नोटिस किया अकाल तख्त ने, दोनों जाकर वहाँ माफ़ी मांगते हैं, भारत का राष्ट्रपति झुकता है, गृहमंत्री भी झुकते हैं और अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। तो यह कहने का मतलब कि आधुनिक युग में आप देखें राष्ट्रपति को झुकना नहीं चाहिए था राष्ट्रपति के अनुसार, लेकिन भारत का राष्ट्रपति झुकता है अकाल तख्त के सामने जाकर माफ़ी मांगता है। इसलिए यह कहना आष्टी का गलत प्रतीत होता है भी कि संप्रभुता निरंकुश होता है, अपने सदृश किसी दूसरे के आज्ञा का पालन नहीं करता है। आज के प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यह बात उचित नहीं लगती है। इन सब बात आप निष्कर्ष पर आए हैं, कोशिश करें कि आपका आंसर 35 मिनट में लिखा जाए और 30 मिनट होते होते आप संक्षेप करने की पर आ जाए और 35 मिनट होते होते क्वेश्चन को बंद कर लिखना बंद कर दें, दूसरा क्वेश्चन पकड़ दें, दूसरा क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करें। जय हिंद।